हेलो स्ट्रीम, नाउ कंटिन्यू करते हैं हम लिमिट के। अभी हमारे दो टॉपिक पर हमने डिस्कस किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अभी दो टाइप बची थी हमारी, अब उनको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। उन्हें पढ़ाने से पहले, ये दो टाइप थी हमारी जिसपे क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, इसे पढ़ाने से पहले मैंने बताया था 11th क्लास में एक टॉपिक था लिमिट इन द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट, बट इनफाइनाइट के क्वेश्चन आप लोगों ने लिमिट एनसीईआरटी में 11th में नहीं देखे होंगे, बट ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इनफाइनाइट वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सो इनफाइनाइट में कभी परेशान नहीं होना है आपको। इनफाइनाइट से प्रॉब्लम जब भी आती है इस टाइप की, तो क्या करना है स्टूडेंट, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उससे डिवाइड कर देना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए जरा कुछ बातें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा कि किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। अगर मैं रफली कंसिडर कर लू, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, जीरो इंटू इनफाइनाइट इज वॉट ए, तो इनफाइनाइट को अगर डिवाइड में ले जाएंगे तो सिंपली मुझे ये समझाना था अगर किसी के अकाउंट में इनफाइनाइट होती है तो स्टूडेंट उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो क्या रोल होता है इसका, देखिए जरा। अगर मैं बात करता हूं एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, this is 2x square plus 3x plus 5 divide by 5x square plus 7x minus 3, ये problem है। हमने देखा infinite, infinite देखते ही मैंने बताया dividing numerator and denominator by highest power of x। इस question के अंदर आप देख रहे हैं highest power कितनी है student, x square, तो x square से divide कर देंगे numerator और denominator को। अगर मैं इसको x square से divide करता हूं तो ये 2 आएगा, इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 3 बाई x एंड हियर 5 बाई x स्क्वायर। सिमिलरली हियर आल्सो 5 7 बाई x माइनस 3 बाई x स्क्वायर। अब मैं अगर डायरेक्ट लिमिट लगाता हूं स्टूडेंट तो आप देखेंगे 2 प्लस 3 बाई इनफाइनाइट प्लस 5 बाई इनफाइनाइट स्क्वायर डिवाइड बाई 5 प्लस 7 बाई इनफाइनाइट माइनस 3 बाई इनफाइनाइट स्क्वायर। आप देखेंगे ये पूरी टर्म जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो आंसर आ गया 2/5। सो 2/5 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। या ये कहिए कि पावर में इनफाइनाइट वाले सम्स में जो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट है वही डायरेक्ट आंसर आते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर हमारा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है तो इनफाइनाइट के केस में, तो तभी हो सकता है जब दोनों की हाईएस्ट पावर सेम होगी। अगर अगर पावर सेम नहीं है तो आंसर इसके जीरो या नॉट डिफाइन आएंगे, अगर पावर सेम नहीं है तो, और एग्जिस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली पावर सेम रही होंगी। तो ये बातें याद रखिएगा। और उसके बाद दूसरी टाइप थी हमारी जिसे मैंने बताया अभी आप लोगों को, ये सेकेंड केस था दिस फॉर्म लिमिट इन द फॉर्म ऑफ एक्स टेंस टू ए, कोई भी लिमिट हो सकती है फंक्शन की पावर फंक्शन। अगर इस टाइप से कोई प्रॉब्लम आती है फंक्शन की पावर अगर फंक्शन आती है तो घबराना नहीं है हम लोगों ने। क्या करना है स्टूडेंट, इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक होती है ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन में से माइनस वन करेंगे और ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और बाकी लास्ट ये वाली टाइप की बात करें तो ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा बायनॉमियल, जब पावर रैशनल हो या नेगेटिव में हो तो डायरेक्ट एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ये तभी एग्जिस्ट करता है जब एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल एंड एन इज आइदर रैशनल और नेगेटिव। तो बस ये टाइप सी, अब देखते हैं इसको यूज करते हैं, एक बार कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं इस पे भी। तो देखिएगा जरा, मैंने इस पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर देता हूं। ये मैंने कुछ प्रॉब्लम लिखी है, ये सारी प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, जैसे ये पहली प्रॉब्लम है, आप देखते ही समझ गए होंगे लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, हियर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5। आप देख रहे हैं इनफाइनाइट वाली प्रॉब्लम है, मैंने अभी बताया था हाईएस्ट पावर सेम होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर सेम है तो इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। आंसर मैंने बताया था हाईएस्ट पावर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही आंसर होता है। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कितना है 1, तो आंसर आने वाला है 1/1, दैट इज व्हाट 1, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए जरा नेक्स्ट, इसमें आप देख रहे हैं
उसने बोला है लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट हियर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टू देन फाइंड ए एंड बी. स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट वाला सम है और इसका आंसर टू दे रखा है, मतलब आंसर तो एग्जिस्ट कर रहा है. तो अब कैसे करेंगे, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करिए. अब देखिए यहां हमें टाइम भी बचाना होता है, कुछ कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं. मैं चलिए स्टेप लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन एलसीएम हो जाएगा हियर एक्स क्यूब प्लस वन, और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देता हूं स्टूडेंट, जब स्क्वायर की दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा और ये बी एक्स स्क्वायर प्लस वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस बी. अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और ये कंप्लीटली किसके इक्वल है, टू. अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो आप देखेंगे x टेंस टू इनफाइनाइट x क्यूब वाला साथ आ जाएगा, माइनस रहेगा, x क्यूब कॉमन तो 1 माइनस a होगा. अब ये माइनस का bx स्क्वायर होने वाला है और ये माइनस का ax होने वाला है और ये माइनस बी प्लस 1, सो यू राइट 1 माइनस बी, इस तरह आप इसको लिख सकते हो. बट स्टूडेंट जरा देखिए यहां एक प्रॉब्लम आ गई है, हाईएस्ट पावर दोनों के सेम नहीं है, पर उसने बोला आंसर आया है एग्जिस्ट किया है, इसका मतलब पावर सेम रही होगी, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा टर्म रही होगी, यानी इसको हमें इलिमिनेट करना होगा. और ये कब इलिमिनेट हो सकता है, जब इसका कोफिशिएंट जीरो होगा, तो इसका मतलब डेफिनेटली तो वन माइनस ए तो जीरो रहा होगा. तो यहां से क्लियर हो गई बात कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन, ए तो यहां से वन आ गया. और अब बात इसकी करते हैं, तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट आंसर होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, ऊपर टर्म माइनस बी, डिवाइड में कितना है ये वन, और ये कंप्लीटली आंसर कितना दिया है टू, सो फाइनली बी इक्वल टू माइनस टू. तो इस तरह से आप इसके आंसर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट एक और देखिएगा जरा, इस टाइप से अगर हम आगे कंटिन्यू फिर करते हैं तो आप देखेंगे, जैसे हम इसकी बात करते हैं फंक्शन की पावर फंक्शन, तो आपको मैंने बताया अभी x टेंस टू इनफाइनाइट. स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो मैंने टाइप बताई थी कि फंक्शन में से वन माइनस कर देंगे तो ये कितना आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस वन, और इनटू ये जो पावर होती है वो इनटू में चली जाती है. बस एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्ट आंसर आने वाला है. अभी देखिएगा जरा, दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, हियर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, और ये टर्म माइनस में जाएगी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल. आप देख रहे हैं ये लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हियर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. स्टूडेंट क्या आने वाला आंसर देखिए जरा फटाफट से, तो आप देखेंगे ये 5x माइनस x दैट इज 4x, 3 प्लस 2 ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस होगा, तो 3 माइनस 2 दिस इज 1, और ये इनटू में x था स्टूडेंट, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा और ये x हो जाएगा. अब इसके हाईएस्ट कोफिशिएंट कितने, हाईएस्ट पावर की कोफिशिएंट ये है 4, इधर कितना है 1, तो फाइनली 4 इज द करेक्ट आंसर. इस टाइप से अब जैसे ये प्रॉब्लम है हमारी, इसमें क्या बोला है स्टूडेंट, फंक्शन की पावर फंक्शन आंसर दिया हुआ है. अब की बार अगेन हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला, सॉरी स्टूडेंट ये मैंने बताया था ई की पावर होता है, ये ई की पावर में आएगा, तो ये 4 किसमें आने वाला है, ई की पावर 4 इज द करेक्ट आंसर. अब जैसे इसको देखिएगा, इसका आंसर भी क्या आने वाला है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो ट्रिक मैंने बताई थी e की पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ये पूरा फंक्शन माइनस वन. स्टूडेंट जब माइनस वन करेंगे तो वन कैंसिल हो जाना है, तो क्या आने वाला है, ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर, और ये पावर मल्टीप्लाई में जाएगी तो मल्टीप्लाई में आ गया 2x, तो ये आ गया e की पावर 2. इस तरह से अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, e की पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ये कितना आएगा, इसके अंदर देखो स्टूडेंट x स्क्वायर ये कितना आया, ax प्लस बी, और ये 2x, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आने वाला है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हियर दिस इज 2a x स्क्वायर प्लस 2b x डिवाइड बाय व्हाट, x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, e की पावर 2. स्टूडेंट इसका आंसर क्या आता है, मैंने बताया था अभी हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट, तो इसका ये कितना आ जाएगा,
देखिए जरा गौर से, तो इसका आंसर आने वाला है हाईएस्ट पावर के क्वेश्चन, मतलब 2a डिवाइड बाय 1 मतलब 2a, और ये दे रखा है e की पावर 2, कंपेयरिंग दिस टू बेस सेम पावर सेम, सो 2a इक्वल टू 2, सो फाइनली a इज व्हाट 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब b तो यहां से निकल ही नहीं रहा है, तो b कुछ भी हो सकता है, सो b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, आप b की वैल्यू कुछ भी रखिएगा आंसर यही आना है, तो इसका मतलब हम इस तरह से a और b फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट मैंने अभी बताया था एक बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रहे थे हम, बाइनोमियल थ्योरम जनरली जितनी भी हमारी रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उसमें आप बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। वैसे रूट के अंदर मैंने बताया था रेशनलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये वाली प्रॉब्लम है तो ज्यादा इजी रहेगा कि आप इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए, बाइनोमियल लगाने की जरूरत नहीं है। बट जैसे ये वाली प्रॉब्लम हमारी आ गई है, सपोज लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, यू नो अंडर रूट को मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, यू मे राइट व्हाट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 माइनस ये क्यू रूट है, तो रेशनलाइजेशन करना यहां बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो ये पावर 4 थी और ये पावर 3, सो यहां पावर 3 की पावर 1 बाय 3, हियर 1 प्लस एक्स पावर 4 की पावर 1 बाय 4 माइनस 1 प्लस एक्स पावर 5 पावर 1 बाय 5, अब इसको रेशनलाइजेशन करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया अभी क्या बाइनोमियल थ्योरम, तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में हम डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं, क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस nx, हियर दिस इज 1 प्लस n, n कितना है 1 बाय 2 x स्क्वायर हायर पावर नेग्लेक्टेड माइनस हियर आल्सो 1 प्लस nx ये आ जाएगा, इसमें भी अगेन वही 1 प्लस 1 बाय 4 x पावर 4 और माइनस 1 प्लस 1 बाई 5 एक्स पावर 5, अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे स्टूडेंट 1-1 कैंसिल हो जाना है, तो ये सब ये स्टेप आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो ये आ गया 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 बाई 4 एक्स की पावर 4 माइनस 1 बाई 5 एक्स की पावर 5। ऊपर जरा गौर से देखिएगा कुछ कॉमन आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ऊपर से कॉमन आ रहा है एक्स पावर 3, अगर मैं एक्स पावर 3 कॉमन ले लेता हूं स्टूडेंट तो आप देखेंगे ये आ गया कितना 1 बाई 2 एक्स हो जाएगा डिवाइड में माइनस 1 बाई 3, हियर आल्सो एक्स पावर 5 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 बाई 4 एक्स माइनस 1 बाई 5, ये पावर कैंसिल तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां कैंसिल हो जाएगा और ये पावर बचेगी एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट अगर मैं एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रखता हूं तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहां कुछ आंसर आने वाला है, बट ये क्या है अगर मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो ये पूरी टर्म क्या आने वाली है जीरो, एंड जीरो इनटू व्हाटएवर जीरो, सो जीरो इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप बाइनोमियल वाले फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सारे सम आप सॉल्व कर सकते हैं, अब आप ट्राई कर सकते हैं, अब लिमिट के अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं तो लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं नंबर पहले भी दे चुका हूं दोबारा बता देता हूं 8368955220, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और असाइनमेंट के लिए भी आप लोग मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ये सारे इयर्स के लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, कुछ रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था 2020 में ये मैंने उसके कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, बस इसी के बेस पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो भी इस चैप्टर से आए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते रहिए ये हमारा चैनल, बस बट रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करते रहिए इसको।